नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एमआई और जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम है सभी के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आ चुका है और ये नोटिस कब आया हुआ है, 31/5/2021 को आया हुआ है, जिसमें आपके एग्ज़ाम के बारे में कुछ अपडेट दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि कम से कम रेलवे ने कुछ तो नोटिस दिया। इस नोटिस को मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो इस नोटिस को हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नोटिस को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस नोटिस को, तो यहाँ पे इस नोटिस में केवल इतना बताया गया है कि जो कोविड का सिचुएशन था उसके चलते इस एग्ज़ाम को रोका गया था। और जो पिछले साल जैसे कोविड का सिचुएशन नॉर्मल हुआ था, तो दिसंबर में इस एग्ज़ाम को करवाया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग को पता है। आगे भी इस एग्ज़ाम को करवाया जाएगा जब सभी स्टेट में जो रिस्ट्रिक्शन है, लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शन है, उसको कम किया जाएगा, तब ये एग्ज़ाम को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। मतलब कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम में लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा, तो एग्ज़ाम को स्टार्ट किया जाएगा, बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा। और जून तक मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम को जो रिजल्ट है उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो बहुत जल्द आप लोग का 7th फेज का एग्ज़ाम होने वाला है। और मुझे लगता है कि जुलाई तक हो सकता है कि 7 जुलाई में 7th फेज का एग्ज़ाम हो सकता है मे बी, क्योंकि रेलवे ने अभी बहुत ही अच्छा अपडेट आप लोगों को दिया हुआ है कि जैसे रिस्ट्रिक्शन खत्म किया जाएगा, आपका एग्ज़ाम से जो रिलेटेड शेड्यूल है उसको जारी किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, अब न्यूज है आप लोग के लिए। और ये अपडेट आया हुआ है 31/5/2021 के लिए को आया हुआ है। अभी तक केवल RRB चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे बाकी के भी ऑफिस बाकी वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव खबर आ रहा है। बट ये रेलवे को कम से कम एक एग्ज़ाम शेड्यूल या अनुमानित डेट को भी दे देना चाहिए था, मंथ भी दे देता कम से कम, कि एनटीपीसी का बचा हुआ एग्ज़ाम इस समय करवाया जाएगा और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम इस समय तक पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा कुछ अगर रेलवे बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो फिलहाल एक पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा अगर कोई खबर आएगा तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि सबसे पहले अपडेट कराऊँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।